बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे फ़िश करी यानी मछली का सालन। सिंपल मसालों से बनी हुई इसकी ग्रेवी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी, चावल या खिचड़ी किसी के साथ भी खाइए, खाने में मज़ा ही आ जाएगा। मेरे तरीके से सालन बनाओगे तो इंशाल्लाह मछली के हर पीस में मसालों का जायका आएगा। तो चलिए मज़ेदार सी फ़िश करी को किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। फ़िश करी यानी मछली का सालन बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने 700 ग्राम रोहू मछली ली हूँ। आप कोई सी भी मछली ले सकते हो। तो इसे मैंने साफ़ करके अच्छे से धो ली हूँ। अब सबसे पहले हम इसमें मसाले लगा देंगे। एक चम्मच फूल भर के लाल मिर्च का पाउडर। ये बहुत तेज़ वाली मिर्ची नहीं है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे ताकि सभी मछलियों के पीस पर सभी मसाले लग जाए। आधा चम्मच है हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने नमक ली हूँ। अब सभी मसालों को हम हल्के हाथों से मछली के ऊपर लगाएंगे। देखिए मछली जो होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, चिकन मटन की तरह हार्ड नहीं होती है, इसीलिए हल्के हाथों से मसाले लगाना है ताकि ये टूटे नहीं। इस तरह से मसाले लगाकर हम मछली का सालन बनाते हैं ना, तो फिश के अंदर तक मसालों का टेस्ट आता है और मछली फीकी फीकी नहीं लगती है। मसाले अच्छी तरह से मैंने मछली पे लगा दिए। अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे हम, और वहाँ तक इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसका जो मसाला तैयार करते हैं तो वो पीस लेते हैं हम। मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सर जार ले ली हूँ, उसमें डालेंगे हम टमाटर। तो एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ली हूँ। अब डालेंगे हम एक पूरी लहसुन की कांडी। तो लहसुन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। यहाँ पर मैंने सूखे खोपरे को बारीक काट कर ली हूँ, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो 2 से 3 चम्मच आप दही भी डाल सकते हो। ये खोपरा डालने से ग्रेवी बहुत ही अच्छी गाढ़ी बनती है। अब डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच काली मिर्चें, 1 चम्मच डालेंगे हम सरसों के दाने यानी राई बारीक वाली। तो देखिए एक बार इस तरह से राई यानी सरसों के दाने डालिए, मछली का फ्लेवर सालन का बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। तो मैंने इससे पहले भी कई तरह के मछली के सालन बनाए हैं, लेकिन इस तरह से आप मसाला बनाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ग्रेवी बन के तैयार होती है। अब इसमें हम थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हमें आधा गिलास जैसा पानी डालकर ये मसाले को अच्छा बारीक पीस लेना है। तो अभी मैंने थोड़ा सा ही पानी डाली, एक बार फिरा लेती हूँ ताकि खोपरा अच्छी तरह से पीस जाए, उसके बाद आधा गिलास पानी डालकर पीस लूँगी। ये देखिए मसाला हमारा तैयार है। इस तरह से एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लेना है। तो ये मसाला पीस रही थी वहाँ तक मछली को भी 10 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब मछली को हम फ्राई कर लेते हैं। मछली को फ्राई करने के लिए देखिए गैस पे एक नॉनस्टिक पैन में मैंने तेल गरम कर ली हूँ। एक एक पीस को डालकर फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने सभी पीस डाल दी हूँ। तेज़ आंच पर हम उलट पलट कर इसे अच्छा सा सुनहरी कलर आने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर फिश को हम पलट लेते हैं और दोनों तरफ से हम इसे फ्राई कर लेंगे। 2 चम्मच की मदद से इसे पलटा देंगे ताकि तेल के छींटे हाथ पर नहीं उड़े। दूसरी तरफ से भी अच्छा सा सुनहरी कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर फिश हमारी दोनों तरफ से फ्राई हो गई है। मछली को तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसे निकाल लेते हैं हम। देखिए इस तरह से तल कर लेते हैं ना हम, तो सालन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब ये मछली को हम साइड में रख देंगे और ये जो बचा हुआ तेल है तो इसी में हम ग्रेवी बनाएंगे। मछली का सालन बनाने के लिए गैस पे एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हूँ मैंने। हमने जो मछली को तला है उसी का बचा हुआ तेल डाल देंगे। तो तेल को छान कर डालेंगे ताकि कुछ भी मसाला हो तो वो निकल जाए। थोड़ा सा तेल मैंने बचा ली हूँ।
आधा चम्मच यहाँ पर मैंने देखे सूखी वाली मेथी ली हूँ, मेथी के दाने। तो अगर नहीं है आपके पास मेथी दाना तो आगे ग्रेवी में आप कसूरी मेथी भी ले सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आधा चम्मच ही हम डालेंगे इसमें ज़ीरा, दो डाल देते हैं सूखी वाली लाल मिर्चें। सभी चीज़ें अच्छी तरह से तड़क गई है, अब इसमें डालेंगे प्याज। तो एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक काट कर ली हूँ मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को अच्छा सा सुनहरी होने तक फ्राई करेंगे हम। प्याज यहाँ पर अच्छी से सुनहरी हो गई है, गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे क्योंकि हम इसमें मसाले डालने वाले। अब डालेंगे हम जो हमने ग्रेवी पहले पीस कर रखी थी ना, तो ये डाल देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्सर जार में ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि सभी मसाला निकल जाए। अब 2 से 3 मिनट के लिए ग्रेवी को हम अच्छे से भून लेते क्योंकि हमने इसमें सूखा नारियल यानी खोपरा, टमाटर, लहसुन सभी चीज़ें कच्ची डाली थी ना, तो उसे अच्छी तरह से भूनना है हमें। गैस की फ्लेम मीडियम रख के हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है ग्रेवी में से, इसका मतलब कि हमने जो खोपरा, टमाटर, लहसुन कच्चा डाला था वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम इस सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल देते हैं हम 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्ची मेरी बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले ले। 1.5 चम्मच ही हम डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लियो। मसाले जले नहीं, इसके लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। सभी सूखे मसाले को भी और 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। देखिए यहाँ पर मसाले को मैंने बहुत अच्छे से भून लियो और मसाले में से तेल ऊपर आ गया है। तो इस तरह से जब तेल ऊपर आ जाए ना, तो समझ जाना है कि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल कोरमे की तरह इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इस टाइम पर डालेंगे हम 2 हरी मिर्च को तोड़कर, तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहते हो तो डालें वरना स्किप कर सकते हो। अब इसमें डालेंगे हम पानी, तो ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी डाल दी हूँ, आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी डालें, गाढ़ा पतला जिस तरह से आप सालन खाना चाहते हो उस हिसाब से डालें। देखिए अभी मैंने यहाँ पर मसाले में अभी तक नमक नहीं डाली हूँ, तो पानी डालने के बाद ही इसमें नमक डालना है ताकि अंदाज़ा सही हो। हमने मछली में भी नमक लगा कर रखा था तो उस हिसाब से नमक डालना है यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं नमक भी डाल देती हूँ ग्रेवी के हिसाब से। अब इसे ढक देंगे हम और मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा, ये अभी हमने पानी डाला इसमें जोश लाना है। यहाँ पर हमने जो पानी डाला था उसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। देखिए पानी पूरी तरह से पक जाए ना इसमें, उसी के बाद मछली को डालना है। अब इसमें फ्राई की हुई मछली डाल देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे, मछली टूटे नहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है। तो मछली इस तरह से देखिए पूरी तरह से ग्रेवी में डूब जाना चाहिए, इतना ही आपने पानी डालना है। अब इसे ढक देंगे हम और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने देते हैं ताकि मछली का फ्लेवर सालन में और सालन का फ्लेवर मछली के अंदर तक आ जाए। यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं और फ़िश करी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह देखिए कितना बेहतरीन कलर दिख रहा है। अब हम गैस बंद कर देंगे और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश करी यानी मछली का सालन हमारा बनकर तैयार है। और इसकी ग्रेवी भी देख सकते हो आप, माशाल्लाह कितनी बेहतरीन दिख रही है। देखिए आप इसे चावल के साथ खाए, रोटी के साथ खाए, खिचड़ी के साथ खाए, किसी के भी साथ खाए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनके तैयार हुई है। हमने आज इसमें कुछ अलग तरह के मसाले बनाकर डाले हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा।
आज की फिश करी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।